ये कि जो तबाही इन्होंने कर दी है ऑलरेडी, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां ये नहीं गए मांगने के लिए, तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी? उसके हाथ में कुछ है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी तो अब मेरा ख्याल है कि हमें यकीनन बहुत ज्यादा इकोनॉमी की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमी तो ऐसी चीज है जो मतलब है 3 साल 4 साल मतलब है सख्त काटने के बाद आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी से बड़ा लॉस अगर कोई हो गया, जिस तरफ इमरान खान ले गया, अगर कोई बड़ा लॉस हो गया, खुदा ना खास्ता, मैं यानी यहां पे तो ये डर है कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जो रिकवर फिर ना हो सके। इकोनॉमी तो एक ऐसी चीज है ना कि आप 3 4 साल लगा के कर देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम किसी इलाके से महरूम हो गए, हिस्से से महरूम हो गए, तो वो फिर वापस नहीं आएगा। ये तो हमें यहां तक ले जा चुका है। आप मुझे बताइए कि यूरोपीय यूनियन के 22 एम्बेसडर्स ने कलेक्टिव खत लिख के इसको भेजा है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आपने रशिया के जो एक्शन है उसे कंडेम करना है, अब्स्टेन नहीं करना, कंडेम करना है। क्यों ये आया सामने? ये रूस से, इसने आप देखें एक्शंस कितनी जल्दी हो रहे हैं। रूस से इसका जहाज वापस अभी लैंड नहीं किया, 9 अरब रुपए का उन्होंने ठोका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जहाज लैंड होने से पहले। कल इसकी स्पीच हुई है जिसमें इसने यानी डिफेंड किया है अपना डिसीजन कि मैं रूस गया हूं और एक वो आलमी कुवत और ये वो ये सब ड्रामा किया इसने। आज 22 एम्बेसडर्स ने लेके हुकूमत पाकिस्तान से ऑफिशियली डिमांड की है यूनाइटेड नेशंस में यू हैव टू से दिस। एंड ही वॉज एक्साइटेड, ही सेड आई एम सो एक्साइटेड टू बी इन इन मॉस्को। अब अंदाजा किस लगा बात लो, की एक्साइटमेंट? मतलब कोई बच्चा गया था वहां पे कि वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, उसने मॉस्को देख लिया? ये प्राइम अपनी तरफ मिनिस्टर से गया ये था? वो आउट ऑफ बॉक्स डिप्लोमेसी, यानी ये कहते ना मुझे क्या बताते हो। फॉरेन ऑफिस वाले शुरू से, इनके जब से इन्होंने ओथ लिया हुआ है, फॉरेन ऑफिस वाले प्रोटोकॉल वाले 100 दफा इनको आके बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि सर इसको इस तरह नहीं इस तरह कह दीजिए, इस तरह नहीं इस तरह कह दीजिए। ये आगे उनकी उनकी बेइज्जती करता है, उनकी भी बेइज्जती करता है। देखिए जी, भारतीय वो जो वजीर आजम है मोदी, उसको उसने खड़े होके जाती तौर पर, जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, इसने उस तरह से आवाजें कसी हैं नरेंद्र मोदी पे। वो एक फासिस्ट है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। वो ये वो यार, पहले तुम कहते हो कि मैं उसे फोन, पहले तुम उसकी दुआएं मांगते हो जो कि नहीं मांगनी चाहिए थी, गलत बात है, पब्लिक करते हो। जब वो आके तुम्हारा फोन नहीं सुनता, पहले तुम उसे ट्राई करते हो, बाद में इसे भी पब्लिक कर देते हो क्योंकि अच्छा, वो तुम्हारा फोन और नहीं एक सुन रहा। और चीज सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट आपकी बात से मुझे याद आई कि वो कह रहे कि जी नरेंद्र मोदी जी ये ना समझे कि अब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो साड़ियां मिलेंगी, वो लोग चले गए। मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा एक तरीका था कि नवाज शरीफ साहब ने साड़ी गिफ्ट की थी, और आप बहुत अच्छा है अगर अगर दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो तो अच्छी बात है। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वजीर आजम ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पर यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुक चाहता है, नहीं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से ज्यादा जानता कोई नहीं है, भारत को यानी कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे, उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है और उसी का वजीर खारजा जो आप बता रही हैं वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पर तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है, आपके गालिबन ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पे मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने हमने इस्लामाबाद रुकना था तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला, तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलकर जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वो कहता है इस्लामाबाद की वजह हम लाहौर चले गए। लाहौर उतरे तो वहां पे पाकिस्तान वालों ने हमें कहा कि एयरपोर्ट से रायबंड ले जाने के लिए वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, तो हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। तो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने, ये मोदी कह रहा है कि मेरे प्रोटोकॉल वालों ने मुझे बताया कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर में, तो ये तो मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिस दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेगा उसकी क्लियरेंस इंडियन को यानी वो
प्रोफेशनल्स देंगे ना इंटेलिजेंस, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उस हेलीकॉप्टर को एग्जामिन करेंगे कि ये इसकी इंजन ठीक है, इसमें बम तो नहीं लगा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम, दुश्मन मुल्क का हेलीकॉप्टर है। तो उन्होंने मोदी को मना किया कि आप इस ये खतरा मत लें आप, एक तो ये कि आप बगैर बताए इस तरह सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद ना आए तो आप लाहौर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर से रायवंड हेलीकॉप्टर बनेगा तो आप मत जाए, मोदी कहता है मैं जाऊंगा, मैंने कहता मैंने प्रोटोकॉल वालों को पीछे कर दिया, मैंने कहा जाऊंगा यार देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, लाहौर गया, लाहौर आके पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठा, बैठ के रायवंड गया, यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उनकी एडवाइस के खिलाफ, अपनी उसकी पार्टी का सारा एंटी पाकिस्तान मंत्रा उसका जो पूरा एंटी पाकिस्तान है उन सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया। ये गैर मामूली लोग होते हैं इस तरह के लोग, ये हर किसी के पास। लेकिन इसमें मियां साहब का भी कमाल था कि मियां साहब ने उस वक्त इतना बड़ा स्टेप लिया कि मियां साहब देखिए जी, मियां साहब का यकीनन मियां साहब का एक हौसला था कि मियां साहब ने फिर जाहिर है कहा कि आप घर तशरीफ लाइए, मियां साहब ने फिर रवायती लाहौर की मेजबानी और फिर शरीफ खानदान की अपनी मेजबानी और वो आए और उसके बाद बहुत हैप्पी वापस गए, नतीजा क्या हुआ पठानकोट। तो बात यह है कि अगर नहीं इंडिया से करना, वो नवाज शरीफ तो मोदी का यार था, पहले वाजपेयी का यार फिर मोदी का यार, ठीक हो गया, तो उसके बाद जिस ये दिलरुबा को लेकर आए हैं मोहब्बे वतन दिलरुबा, ये दिलरुबा 3.5 साल से चीखें सिसकियां मार मार के क्यों उसको कह रही है, मोदी को आवाजें दे रही है, दुखी गाने गा रही है इंडिया की तरफ देख के। सर सर ये तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोज आ रही है वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसीज जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है, मदद क्या करे पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है, इंडिया इसलिए लेके गया है कि उनकी इकोनॉमी अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली ये जो है ना ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती मतलब एक नाम लेकर, ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास को फंड फंड नहीं होते इतने,